हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 108 पर। यहाँ पर हम डीपी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम आपने बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट के अंदर भी देखी होगी। आज इसको हम फटाफट रिकर्जन के द्वारा, रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन के द्वारा, टैबुलेशन के द्वारा और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद आपको ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले समझते हैं प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम का नाम है काउंट डीरेंजमेंट्स, ठीक है। अ डीरेंजमेंट इज अ परम्यूटेशन ऑफ एन एलिमेंट सच दैट नो एलिमेंट अपीयर इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। एक हैट प्रॉब्लम भी होती है, हैट प्रॉब्लम अगर आपने वो कर रखी है तो आपको समझ में आने वाला है कि क्या होने वाला है। अगर आपने नहीं कर रखी तो आप पढ़ना इस क्वेश्चन को, उसको सेम चीज है। जैसे वाला डीरेंजमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे नहीं आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एन इंस्टेंस ऑफ डीरेंजमेंट इज कि अगर लेट्स से आपको वैसे एरे है 0, 1, 2, 3 का, तो इसकी डीरेंजमेंट 2, 3, 1, 0 हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो 0, ना तो 1, ना तो 2, ना तो 3 कोई भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ रहा है। बिकॉज 2 इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 0 एंड नॉट एट इट्स इनिशियल पोजिशन विच इज 2 एंड सिमिलरली फॉर अदर एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस। क्या बात समझ आती है? मैंने कहा लेट्स से मेरे पास जो इनपुट है वो इस प्रकार है कि 0, 1 एंड 2। इसकी एक पॉसिबल डीरेंजमेंट क्या हो सकती है? यार 0 को मैं यहाँ तो नहीं रख सकता क्योंकि इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, तो मैं 0 कहाँ पे रखूँ? मैं लेट्स से 0 को यहाँ रख दिया। चलो अब 1 की पॉसिबल पोजीशन क्या है? क्या यहाँ रख सकता हूँ? नहीं है, ये तो ओरिजिनल पोजीशन है, तो मैंने 1 को यहाँ रख दिया और 2 को मैंने उठा के यहाँ रख दिया। तो ये एक पॉसिबल डीरेंजमेंट है क्योंकि 0 अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं है, 1 अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर नहीं है और 2 अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर नहीं है। क्या बात समझ आती है? वेरी गुड। तो आपको एक नंबर दिया जाएगा एन, फाइंड द टोटल नंबर of derangement possible of a set of n elements। Let's say आपको n number दिया हुआ, let's say n3 है, तो आपका array क्या हो गया? 0, 1, 2 हो गया। Let's say आपका n जो है वो 7 है, तो आपका array क्या हो गया? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसकी आपको बतानी है कि total number of derangement कितनी possible है। तो ये आपका question है, ठीक है। अब इसके approach तक पहले हम जाएं, उससे पहले फटाफट अपने sponsors को shout out देते हैं, फिर continue करते हैं। थैंक्स टू देम। कोडिंग निंजास क्या है? इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आप बहुत प्रकार के कोर्सेज दे सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पेड कोर्सेज के अंदर, आप चाहते हैं डेवलपमेंट कर लूँ यार, मशीन लर्निंग कर लूँ, एंड्रॉइड कर लूँ, वेब डेवलपमेंट कर लूँ, सिस्टम डिजाइन कर लूँ, कोर सब्जेक्ट OS DBMS वगैरह पढ़ लूँ मैं यार, DSA कर लूँ, जावा पाइथन किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो आप यहां से वो पेड कोर्सेज ले पाएंगे। सबसे प्यारी चीज जो लोग तारीफ करते हैं कोडिंग निंजास की, वो ये कि यहां पर 1-on-1 डाउट रिजोल्विंग सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो 1 से 2 घंटे में रिजोल्व कर दिया जाएगा। कोर्सेज जो बनाए जाते हैं बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड में बनाए जाते हैं कि अगर आप मेहनत डालेंगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। कोर्स बनाने वाले बंदे ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां फोड़ चुके हैं, तो उसके आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। लैंग्वेज की अगर बात करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको हिंट वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदना है तो अब आप समझदार हैं। आपके पास ये लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं और 20% डिस्काउंट जो कि मैक्सिमम है वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। तो क्वेश्चन कहते हैं कि आपका आंसर बड़ा हो सकता है, यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग इंट भी दिया हुआ है, तो अपने आंसर का मॉड करके देना 10^9+7। ठीक है, आसान है, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्त, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। कोड आपको मैं 2 मिनट में करके दिखा दूंगा, दैट्स नॉट एन इशू, पर क्वेश्चन समझने में आएगा मजा, ठीक है। एक बार आपको क्वेश्चन का फॉर्मूला क्रैक करना है और गेम ओवर। चलो, तो हमने बोला कि इनपुट में क्या आ रहा है, इनपुट में मेरे पास क्या आ रहा है, इनपुट में मेरे पास एक एन आता है। एन का मतलब क्या होता है कि 0 से n-1 तक मेरे पास एलिमेंट पड़े हुए हैं, 0 से n-1 तक मेरे पास एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। यही तो मतलब है इस बात का, बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं इसको विजुलाइज करने की कोशिश करूं और मैं इसको ऐसा बना दूं कि जी ये आपका एरे है, ये आपका एरे है और मैंने इसमें ये डब्बे बना दिए जी, ये आपके ब्लॉक्स हो गए, ठीक है, ये आपके ब्लॉक्स हो गए। हमने बोला कि ये आपका इंडेक्स है जी, ये आपका 0th इंडेक्स है। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये आपका इंडेक्स है, 0 इंडेक्स, 1st, 2nd, 3rd, 4th, और लेट से मैंने इसको क्या बोल दिया कि यार ये आपका nth इंडेक्स है, वेरी गुड। बीच में मैंने मान लिया कि ये आपका डब्बा, ये आपका ith इंडेक्स है। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है। और मैंने क्या बोला कि यहाँ पे स्टार्टिंग में नंबर ऐसे पड़े हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे कोई i नंबर पड़ा है और यहाँ पर आपका कोई n नंबर पड़ा है, ठीक है। इस प्रकार कुछ नंबर्स पड़े हुए हैं, हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डीरेंजमेंट्स बतानी है। मैंने कहा बहुत आसान है। लेट्स से मैं बात कर रहा हूँ इस 0 के बारे में, इस 0 को रखने के लिए मेरे पास कितने पॉसिबल ब्लॉक्स हैं। मैंने बोला 0 को मैं कहीं भी रख सकता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कहीं भी रख सकता हूँ। ये टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं भैया? यहाँ से यहाँ तक n ब्लॉक्स हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितने ब्लॉक्स होंगे भैया? n-1 ब्लॉक्स होंगे। तो
जीरो को रखने के भी, जीरो को किसी भी ब्लॉक में रखने की पॉसिबल पॉसिबिलिटीज कितनी मेरे पास, मैंने बोला एन माइनस वन पॉसिबिलिटीज है। जीरो को जीरो वाले ब्लॉक पे नहीं रख सकता, बट इसके अलावा बाकी ब्लॉक्स पर रख सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इतने एन, एक ब्लॉक में नहीं रख सकता, बचे कितने एन माइनस वन, तो जीरो को मैं एन माइनस वन ब्लॉक में रख सकता हूँ। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एन माइनस वन स्टार सॉल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम्स, यही मेरा आंसर होगा, यही मेरा आंसर है, यही चाहता हूँ मैं कि जीरो तो मैंने रख दिया, जीरो को रखने के तरीके कितने, एन माइनस वन स्टार, इतने तरीके हैं, और बाकी जो बची हुई सब प्रॉब्लम है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। जीरो को तो मैंने एक जगह पर रख दिया, और जीरो को रखने के तरीके कितने, एन माइनस वन तरीके हैं, बाकी बचे कौन है, बचे हुए मेरे ये सारे एलिमेंट है, बचे हुए मेरे ये सारे एलिमेंट है, इन सारे एलिमेंट को किन किन डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर रख सकता हूँ, वो मेरी सब प्रॉब्लम है, अगर मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा टोटल आंसर निकल जाएगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ दो केस बनते हैं दोस्त, यहाँ दो केस बनते हैं, समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। अगर तुम किसी इस प्रॉब्लम का एडिटोरियल पढ़ने जाओगे, ये मेरी गारंटी है कि मेजॉरिटी को समझ में नहीं आएगा एडिटोरियल, तो इसको ध्यान से समझना, अब तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। चलो चलो, और यूट्यूब पे अगर देखोगे तो इस क्वेश्चन को सिर्फ उन्हीं लोगों ने करवा रखा है जो मेरी शीट को फॉलो करते हैं, किसी ने कराया भी नहीं है, ठीक है, समझते हैं। मैंने बोला कि लेट से कि मैं इस जीरो को आइथ इंडेक्स पे रखना चाहता हूँ, ठीक है, इस जीरो को अगर मैं आइथ इंडेक्स पे रखना चाहता हूँ तो क्या होगा, ये आई हटके यहाँ पर जीरो आ जाएगा। मैं बोला ठीक है, लॉजिकल है, ये लॉजिकल है, ये तो यहाँ पे कवर हो ही चुका है, एन माइनस वन डब्बे में आप रखना चाहते थे किसी में भी, तो यहाँ पर रख सकते हो। कैच क्या है, कैच ये है कि जो आई यहाँ पर था, एक केस क्या होगा कि वो आई उठ के यहाँ पर आ गया, यानी कि वो आई यहाँ से स्वैप हो गया, एक केस ही हो गया। तो दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर जो एग्जिस्ट करती है वो क्या पॉसिबिलिटीज है, दो पॉसिबिलिटीज क्या है, वो दो पॉसिबिलिटीज ये हैं कि आई, यानी कि ये वाले आई की बात कर रहा हूँ मैं, एंड जीरो, ये वाले जीरो की बात कर रहा हूँ, ये आपस में स्वैप हो गए, ये आपस में स्वैप हो गए, पहली पॉसिबिलिटी। इसमें क्या होने वाला है, ध्यान से देखते हैं, अगर आई और जीरो स्वैप हो गए तो देखते हैं क्या होने वाला है, तो देखते हैं क्या होने वाला है, ध्यान से देखें, समझ में सब आ जाएगा अभी तुम्हें, चिंता मत करना बिल्कुल, ठीक है। जीरो वन टू, ये आई और ये एन, ठीक है। मैंने बोला कि यहां पर तो मेरा आई फिक्स्ड हो गया और यहां पर मेरा जीरो फिक्स हो गया, ओके ओके, तो बचा क्या, यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं जो बच्चे हैं डालने, कितने नंबर बचे हैं, मैंने बोला पहले समझते हैं कितने इंडेक्सेस खाली बचे हैं। भैया टोटल इंडेक्सेस कितने थे, टोटल इंडेक्सेस एन थे, ये वाला फिक्स्ड होकर बचे कितने, भैया इंडेक्सेस टोटल खाली हैं, इंडेक्सेस या ब्लॉक्स कितने खाली हैं, इंडेक्सेस ब्लॉक्स कितने खाली हैं, भैया एन माइनस टू खाली है, क्यों, क्योंकि एक यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया, तो एन माइनस टू ब्लॉक्स खाली है। मैंने कहा ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं जो मुझे इंडेक्सेस में डालने हैं, और बोला भाई यहाँ पे 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 जीरो और आई को छोड़ के सारे नंबर बचे हुए हैं, अगर टोटल नंबर एन थे और जीरो आई को छोड़ के बाकी सारे नंबर बचे हैं तो कितने नंबर बचे हैं, एन माइनस टू नंबर बचे हैं। तो मेरे पास एन माइनस टू इंडेक्सेस खाली हैं और एन माइनस टू नंबर बचे हुए हैं। क्या मैं कह सकता हूँ कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैंने सब प्रॉब्लम में इसको डिवाइड कर दिया एफ ऑफ एन माइनस टू। अगर एफ ऑफ एन मेरा दर्शाता है कि मेरे पास एन डब्बे हैं, एन ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी है और एन नंबर्स हैं, तो एफ ऑफ एन माइनस टू क्या दर्शाता है कि मेरे पास एन माइनस टू इंडेक्सेस और एन माइनस टू नंबर डालने हैं। एक पार्ट हमने कर दिया सॉल्व कि अगर मेरा आई और जीरो आपस में स्वैप हो गया होता तो ये होता, अगर मेरा आई और जीरो आपस में स्वैप हो गया होता तो ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा फिक्स्ड होता, तो बचा हुआ पार्ट है इतना पार्ट और इतना पार्ट, जो कि आपका है n माइनस टू डब्बे और n माइनस टू नंबर, यानी कि आपके सब प्रॉब्लम f ऑफ n माइनस टू, ठीक है, ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि मैंने मैंने यहां पर जीरो तो डाल दिया, मैंने यहां पर जीरो तो डाल दिया, बट मैं यहां पर आई नहीं डालना चाहता, क्योंकि वाला केस तो ऑलरेडी इस वाली सब प्रॉब्लम में कवर हो चुका होगा ना, आई यहां पे फिक्स कर रखा है हमने, तो सेकंड राउंड क्या कहती है कि मैंने यहां तो जीरो डाल दिया बट मैं यहां आई नहीं डालना चाहता। ध्यान से देखो क्या होगा अभी, ध्यान से देखो, देखो अभी समझ में आ जाएगा। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कि देखो इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, आई और ये एन, इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर जीरो डाल के इसको फिक्स कर दिया, मैंने यहाँ पर जीरो डाल के इसको फिक्स कर दिया। मैंने बोला मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर आई आए, ये बोला मैंने, मैं नहीं चाहता कि इस डब्बे में आई आए, बिल्कुल ठीक, मैं नहीं चाहता इस डब्बे में वन आए, मैं नहीं चाहता इस डब्बे में टू आए, मैं नहीं चाहता इस डब्बे में थ्री आए, मैं नहीं चाहता इस डब्बे में फोर आए, मैं नहीं चाहता इस डब्बे में एन आए। ये तो सिंपल सा लग रहा है कि मेरे पास कितने डब्बे हैं, ग्यारह डब्बा फिक्स है, टोटल डब्बे कितने हैं, एन है, तो कितने डब्बे हैं, मैंने बोला कितने इंडेक्सेस
या कितने ब्लॉक्स आपके पास खाली हैं। आपने बोला भैया एक तो यूज हो चुका है, टोटल एन है, तो यानी कि एन माइनस वन इंडेक्सेस खाली है मेरे पास, बनकर वेरी गुड। और कितने कितने नंबर हैं आपके पास जो आप नहीं डालना चाहते हो नंबर में? मैंने बोला इसमें आई नहीं डालना चाहता और बाकी सब में 1, 2, 3 जो ऑलरेडी है। इन शॉर्ट यहाँ पर एन माइनस वन नंबर है जो मैं नहीं डालना चाहता, तो क्या मैंने इसको ब्रेक कर लिया एक सब प्रॉब्लम के अंदर एफ ऑफ एन माइनस वन। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मैंने जानबूझ के अप्रोच में टाइम लगाया कि मेरा फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आया एन माइनस वन स्टार, यहाँ पे आ गया एफ ऑफ एन माइनस टू प्लस एफ ऑफ एन माइनस वन, ये किसके इक्वल है? एफ ऑफ एन के इक्वल है। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। कोड तो मजाक है, कोड तो हम भी कर देंगे, इंपॉर्टेंट ये कि क्या मुझे रिलेशन समझ में आता है कि नहीं आता। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमने बोला कि कैसे करेंगे, मुझे ये पता है कि मेरे को जीरो को प्लेस करने के लिए, इस जीरो को प्लेस करने के लिए मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, एन माइनस वन पॉसिबिलिटीज है, इन एन माइनस वन डब्बों में से कहीं पर भी डाल दूंगा। तो ठीक है, मैंने एन माइनस वन से मल्टीप्लाई करा दिया। फिर एक सब प्रॉब्लम बची कि मैंने जीरो को तो प्लेस कर दिया पर बाकी सारे नंबर भी तो प्लेस करने कहीं पे, वो मेरी एक सब प्रॉब्लम है, वो मेरी एक सब प्रॉब्लम है, वो मुझे निकालना पड़ेगा। अब दो कह सकते हैं कि मैंने जीरो को जहां पर डाला है वहां पर जो एलिमेंट पड़ा था, लेट्स से आप आई पड़ा था, उसको मैंने जीरो के डब्बे से ही स्वैप कर दिया, तो मेरे जीरो की पोजीशन और मेरे आई की पोजीशन फिक्स हो गई। बचा क्या? बचा इतना पार्ट और इतना पार्ट जो कि एन माइनस टू डब्बे। तो सब प्रॉब्लम क्या होगी? एफ ऑफ एन माइनस टू। सेकंड केस क्या बन सकता है कि यार ये जो आई है यहाँ पर डाल दिया पहले वाले केस के अंदर, सेकंड केस क्या होगा कि आई को यहाँ पे नहीं डालना, आई को यहाँ नहीं डालना। तो ध्यान से देखो, मैंने बोला आई को यहाँ नहीं डालना, वन को यहाँ डालना, टू को यहाँ डालना, थ्री को यहाँ डालना, फोर को यहाँ डालना, ऐसी एन को यहाँ डालना। तो यही तो प्रॉब्लम थी, इसी को तो डीरेंजमेंट निकालने के लिए बोलते हैं हम स्टार्टिंग में। तो इसी को मैंने बोला कि कितने डब्बे खाली हैं, एन माइनस वन डब्बे खाली, कितने नंबर भरने उनमें, एन माइनस वन नंबर भरने, ये तो प्रॉब्लम है एफ एन माइनस वन। तो मैंने रिलेशन निकाल लिया। अब इस रिलेशन के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई कर लेते हैं। मैंने बोला बहुत आसान है, बहुत आसान है, अभी कोड कर देते हैं। हमने कहा कि यार ये मेरा फंक्शन है और मेरा दिमाग क्या कहता है, मेरा दिमाग क्या कहता है कि इफ इफ पहले चेक करते हैं क्या एन इक्वल टू जीरो हो सकता है। इसने बोला एन जो है 1 से लेकर 3000 के बीच में होगा, ठीक है। तो मैंने क्या, इफ एन इज इक्वल टू 1, अगर एन मेरा 1 है, समझते हैं एन 1 का मतलब, एन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि आपके पास सिर्फ जीरो पड़ा है, यानी कि एक डब्बा है जीरो इंडेक्स पर, जीरो पड़ा हुआ है, मुझे जीरो किसी और इंडेक्स पर डालना है पर कोई और इंडेक्स अवेलेबल ही नहीं है, तो नंबर ऑफ डीरेंजमेंट क्या हो गई, है ही नहीं भैया, रिटर्न जीरो, ठीक है। बोला इफ एन इज इक्वल टू 2, इस केस में क्या करना है, अगर एन आपका इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब एरे में क्या पड़ा है, 0 और 1, यानी कि ऐसे आपका एरे है 0 1 और 0 1 पड़ा है। इसको चेंज करके मैं ऐसा तो कर सकता हूँ भैया कि 1 0 कर दिया, तो कितनी पॉसिबल डीरेंजमेंट है, सिर्फ एक ही है भैया, रिटर्न 1, ठीक है। ये भी कर दिया, बेस केस लिख दिया आपने, बेस केस लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या लिखा, आपने रिलेशन लिखा कि int answer is equals to n minus 1 star, और यहाँ पे आपने लिख दिया क्या आपका जो भी फंक्शन था, आपका जो भी फंक्शन था, फंक्शन का नाम था काउंट डीरेंजमेंट, तो यहाँ लिख दिया n minus 1, इसको प्लस कर दिया काउंट डीरेंजमेंट n minus 2, ठीक है, इस आंसर को रिटर्न कर दिया। मैंने इसको एक बार रन करके देखा, करेक्ट आंसर आ रहा है, वेरी गुड। पर इसने कहा था इसको मॉड कर देना, इसने कहा था 10^9+7 से इसको मॉड कर देना, ठीक है। तो बड़ा मान लिख देता हूँ, हैश डिफाइन डी 1 2 3 4 5 6 7 8 7, ठीक है। तो मैंने बोला इसको ऐसे लिख देते हैं एक बार, ऐसे, और हमने इसको ऐसे लिख दिया, परसेंटेज मॉड, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया हमने, उसको हमने इसको भी मॉड कर दिया, ठीक है, फिर हमने इसको भी मॉड कर दिया, और जब पूरा आंसर आया उसको भी मॉड कर दिया, आई थिंक बन जाएगी बात, ठीक है। तो इसको हमने रिटर्न कर दिया। उसने बोला सेमीकोलन लगाना भूल गया दोस्त, मैंने बोला सॉरी, पर कहाँ पर? उसने बोला ये रहा इसका, ठीक है, उसने बोला कि यहाँ पर ये एक्स्ट्रा को लगा दिया हमने, ठीक है, इसका मॉड लग दिया, यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, फिर यहाँ भी एक्स्ट्रा लगा रखा हमने, इसका मॉड लग गया ऐसे, और ये पूरा ब्रैकेट है, इसके बाद मॉड लग गया, ठीक है, और यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगा दिया, रन करते हैं। तो हमने इसको करेक्ट आंसर आ रहा है, वेरी गुड, हमने सबमिट कर दिया। क्योंकि रिकर्सिव सॉल्यूशन है तो ये टीएल ही देगा, फटाफट फटाफट इसने टीएल ही दे दिया, ठीक है।
कुछ कुछ टेस्ट केस पास कर दिए बट टीएलई आ गया। तो अब मैंने क्या किया, फटाफट इसको मैं थोड़ा सा रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने फटाफट इसको शिफ्ट कर दिया एक क्वेश्चन के अंदर, इसका नाम किया सॉल्व, मेमोराइजेशन दे दिया इसका नाम, यहाँ पे इंटेंट भेज दिया और एक मेरा वेक्टर ऑफ इंट डीपी आ गया, ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है। आंसर को मुझे स्टोर करना है और आंसर लॉन्ग लॉन्ग इंट हो सकता है, तो मैंने लिख दिया लॉन्ग लॉन्ग इंट, मैंने फटाफट इसको सेव कर दिया, फटाफट यहाँ पे जाके यहाँ डाल दिया इसको इसकी जगह, ठीक है, ये बात समझ में आती है। मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ऑफ डीप लॉन्ग लॉन्ग इंट क्रिएट कर लिया डीपी वाला, उसको इनिशियलाइज कर लूंगा और मैंने बोला कि एन प्लस वन, इनिशियलाइज कर लिया माइनस वन के साथ, ठीक है। और मैंने बोला कि रिटर्न कर देना जो भी तुम्हारा आंसर है, क्या आंसर आएगा, आंसर हमने लिखा सॉल्व मैम, एन भेज दिया और डीपी भेज दिया, ठीक है, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, जो भी आंसर आएगा डीपी में स्टोर करा लेना डीपी ऑफ एन और उसको रिटर्न करा देना डीपी ऑफ एन, ठीक है। थर्ड स्टेप, बेस केस के बाद डीपी के अंदर चेक करना, अगर आंसर पड़ा हो तो वो रिटर्न कर देना, ठीक है। इसको मैंने एक बार रन करके देख लिया क्या ये चल भी रहा है। उसने बोला वेक्टर हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड, हमने बोला अभी कर लेते हैं, इतनी कौन सी बड़ी बात है, हमने इसको रन कर दिया। उसने बोला काउंट डीरेंजमेंट, अच्छा जो है गलती हर बार करते हैं, हमने दोबारा कर दी आज, फिर दोबारा पता नहीं कितनी बार और करेंगे हम ये गलती, अब दोबारा चाहते हैं इसको। उसने बोला कि यहाँ पर डीपी तो सेंड करो, मेरे को लग रहा है मैं ये गलती हमेशा ही करता रहूँगा जिंदगी भर, बार बार रन करो। तो हमने क्या किया, इसका आंसर लॉन्ग लॉन्ग इंटर सेंड करना है, हमने इसको रन कर दिया, ओके। कहाँ पर गड़बड़ है, कहाँ पर गड़बड़ है, कहाँ, उसने बोला लाइन नंबर 20 चेक करें, और यहाँ पे आपने क्या लिखा है, लॉन्ग लॉन्ग इन दिस एक्सप्रेशनलिस्ट यूज कंपाउंड एक्सप्रेशन दिस वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग इंट, एंड नहीं आया यहाँ पे, एंड पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, करेक्ट आंसर आ रहा है, हमने इसके ऊपर सबमिट दिया, रिकर्जन प्लस मेमोरेशन का सोल्यूशन था, करेक्ट आंसर आ गया, वेरी गुड। अब मैंने बोला कि ये तो मैंने कर लिया, मुझे इसको करना है टैबुलेशन मेथड के द्वारा, तो मैंने लिखा सॉल्व यूजिंग टैबुलेशन, इसके अंदर डीपी वाला नहीं बनाते, मैं इसको फटाफट साफ कर देता हूँ। मैंने इसको फटाफट यहाँ से हटाया ऐसे, और मैंने यहाँ पे डीपी वाला एरे क्रिएट कर लिया, ओके। तो मैं डीपी वाला एरे क्रिएट कर लिया एन प्लस वन साइज का, ओके, इतना काम हो चुका है। मैंने बोला स्टार्टिंग में जो है आप ऐसा करो, सबको जीरो से इनिशियलाइज कर दो, और हमने ऊपर अपने रिकर्सिव सॉल्यूशन के बेस केस को एनालाइज किया, हमने बोला एन इक्वल टू वन, मेरा आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ओके। तो मैंने बोला कि डीपी ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू, सॉरी डीपी ऑफ वन इज इक्वल्स टू जीरो, वेरी गुड। और डीपी ऑफ सेकेंड बेस केस क्या है, एन इक्वल टू टू के लिए आंसर क्या आ रहा है, वन आ रहा है, डीपी ऑफ टू इज इक्वल्स टू वन। और आंसर कहाँ तक निकाल रहे हैं, एन तक निकाल रहे हैं, वन का और टू का आंसर निकाला हुआ है, एन की वैल्यू कभी जीरो होने नहीं वाली, तो वन से एन तक रेंज थी, हमने क्या बोला कि एन की वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगी, सॉरी एन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहने वाली है। तो हमने क्या बोला कि वन से एन के बीच में रेंज है, वन का आंसर हमने डाल दिया डीपी ऑफ वन इज इक्वल्स टू जीरो, टू का आंसर हमने डाल दिया डीपी ऑफ टू इज इक्वल्स टू वन, रेंज क्या बची थ्री से लेके एन तक, इसको कंसिडर करते हैं। तो यानी मैंने एक फॉर लूप चलाया फॉर इंट आई इज इक्वल टू थ्री, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, फिर क्या करते हैं कि जो भी मेरा रिकर्सिव रिलेशन है उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख रहा होता हूँ, ठीक है, वेरी गुड। तो आपने क्या बोला, आपने बोला मुझे एन माइनस वन का आंसर निकालना था, ठीक है। तो मैंने बोला कि यार ऐसा करो लॉन्ग लॉन्ग इंट ऐसा करते हैं, पहले एन माइनस वन का आंसर निकाल लेते हैं। तो मैंने निकाला इसको, फर्स्ट लिख दिया मैंने इसको, ठीक है, फर्स्ट इज इक्वल टू व्हाट, एन माइनस वन का आंसर निकाला था डीपी ऑफ आई माइनस वन, मॉड लगाया था यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही मैंने लॉन्ग लॉन्ग इंट करके सेकंड का आंसर निकाल लिया, यानी एन माइनस टू का आंसर निकाल लिया, ये क्या हो गया डीपी ऑफ आई माइनस टू, और ये लगा दिया मॉड,
ठीक है, ये भी हो गया। इसका मैंने क्या किया, इन दोनों का मुझे एडिशन करना है, इन दोनों का मुझे एडिशन करना है, तो मैं बोला लॉन्ग लॉन्ग इंट सम इक्वल्स टू, ये आ गया जी आपका फर्स्ट प्लस सेकंड, और इसका मॉड कर दिया। ठीक, ये भी हो गया, आराम से करते चल रहे हैं। इतना पार्ट सॉल्व कर दिया, इतना पार्ट सॉल्व कर दिया, आपको करना है एन माइनस वन से मल्टीप्लाई कराना है, एन माइनस वन से मल्टीप्लाई कराना है। तो मैंने क्या बोला, कैसा करो लॉन्ग लॉन्ग इंट आंसर निकाल लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग इंट का आंसर, आंसर इज इक्वल्स टू क्या है कि मुझे इसको एन माइनस वन से मल्टीप्लाई कराना है कि एन माइनस वन मल्टीप्लाई क्या जो भी मेरा सम है और जो मेरा आंसर आएगा उसको मॉड कर दूंगा। ठीक है, ये भी कर दिया। मैं बस क्या कर रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा। आंसर आ गया, इसको डीपी फाइल में सेव कर देता हूँ, डीपी फाइल में सेव कर देता हूँ, सेव हो गया, खत्म, इतना ही करना था। यहाँ से मैं रिटर्न कर दिया, रिटर्न डीपी फाइल हो गया, टेबुलर में भी, टेबुलर फॉर्म में भी कर लिया। इसको करते हैं कमेंट, और मैं रिटर्न सॉल्व टैब, यहाँ पे एन पास कर दिया, खत्म। इसको रन कर लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं, करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर, ठीक है, कहीं पर गड़बड़ करेगी, फटाफट चेक करते हैं कहाँ गड़बड़ करी है। ये हमने डीपी का एरे बना रखा है, डीपी ऑफ 1 इक्वल 0 है, डीपी ऑफ 2 इक्वल 2 ये है, 2 से ले 3 से लेकर अंत तक गए। यहाँ पे हमने फर्स्ट का आंसर निकाला, सेकंड का आंसर निकाला, फर्स्ट को सेकंड मॉड कर दिया, और हमने एन माइनस वन स्टार्ट कर दिया मॉड के साथ, और डीपी ऑफ 5 के अंदर आंसर स्टोर कर लिया। और आई थिंक ये चलना चाहिए, देखते हैं कहाँ पर गड़बड़ है, फटाफट चेक करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, एन लिखा हुआ आई लिखना है इसकी जगह, बस रन कोड करते हैं, सब सही चल गया, सबमिट करते हैं और करेक्ट आंसर आ गया। इस प्रकार हमने बॉटम अप्रोच का यूज करके, टैबुलेशन मेथड का यूज करके इसको सॉल्व कर लिया है। अब सवाल आता है, क्या मैं इसको स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, अब सवाल आता है क्या मैं इसको स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। उसके लिए बस मुझे क्या करना होता है, मुझे बस ये डीपी की रिलेशन चेक करना होता है कि डीपी ऑफ आई किस पर डिपेंड कर रहा है। मुझे देखना डीपी ऑफ आई आंसर से बना है, आंसर आई माइनस वन और सम से बना है, सम फर्स्ट और सेकंड से बना है, फर्स्ट डीपी ऑफ आई माइनस वन, सेकंड डीपी ऑफ आई माइनस टू से बना है। तो मुझे क्या समझ में आता है कि डीपी ऑफ आई डिपेंडेंट है डीपी ऑफ आई माइनस वन पर और डीपी ऑफ आई माइनस टू पर। ओके, ये तो हम 50 बार सॉल्व कर चुके हैं पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर। यानी कि अगर मेरे पास कुछ रेंज ऑफ डेटा पॉइंट इस प्रकार पड़े हुए हैं और मैं कहता हूँ कि ये आपका डीपी ऑफ आई है, तो आई माइनस वन कौन सा होगा भैया, पीछे वाला तो होगा, आई माइनस टू कौन सा होगा भैया, ये वाला तो होगा। तो डीपी ऑफ आई इस वाले एलिमेंट और इस वाले एलिमेंट डिपेंडेंट है। ये कैसे सॉल्व कर देते हैं हम, बहुत सिंपल है। इसको लेट से मैं एक वेरिएबल से दर्शा दूं कि ये है प्रीवियस टू और ये है प्रीवियस वन, ऐसे। तो डीपी ऑफ आई, या फिर मैं इसको आंसर से दर्शा दूं, तो मुझे क्या दिखेगा, आंसर तो मैं बना सकता हूं कैसे, प्रीवियस वन प्लस प्रीवियस टू करके, ठीक है। और जैसे फॉर लूप आगे बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि आपका आंसर आगे बढ़ गया, और जब आंसर आगे बढ़ गया तो इन दोनों को मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा। इन दोनों को आगे बढ़ाना, कैसे बढ़ाते हैं, प्रीवियस टू को आगे बढ़ा दो प्रीवियस वन से इक्वल करके, और प्रीवियस वन को आगे बढ़ा दो आंसर के इक्वल करके। तो इसके द्वारा मैं इसको वन में कर पाऊंगा, चेक करते हैं कैसे। मैंने बोला बहुत सिंपल है, डीपी ऑफ वन को मैंने बोल दिया कि तुम इसको बोल दो कि लॉन्ग लॉन्ग इंट प्रीवियस टू, तुम उसी प्रकार इसको बोल दो लॉन्ग लॉन्ग इंट प्रीवियस वन। अब डीपी ऑफ आई माइनस वन जहां लिखा है वहां लिख दो प्रीवियस वन, आई माइनस टू जहां लिखा है वहां लिख दो प्रीवियस टू, और थर्ड चीज क्या थी, प्रीवियस वन प्रीवियस टू आंसर निकालना है, आंसर ऑलरेडी निकाल रखा है। तो इस लाइन को हटाता हूँ, और आंसर निकालने के बाद क्या करते हैं, प्रीवियस टू को आगे बढ़ाते हैं, और फिर प्रीवियस वन को भी आगे बढ़ाते हैं, और फिर रिटर्न क्या करना है, रिटर्न तो भैया प्रीवियस वन कर देंगे, प्रीवियस वन कर लो या आंसर कर लो जो तुम्हारा मन करे। बट क्योंकि आंसर आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया, यही इनिशियलाइज किया, तो अब स्कोप उसका ही खत्म हो जाएगा लाइन नंबर 33 पे, तो उसको रिटर्न नहीं कर पाओगे, पर दोनों वैल्यू सेम होगी। तो मैंने ऐसा किया, सॉल्व टैब को यहाँ से विदाउट क्रिएटिंग एन डी पी आर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने इसको हटा दिया, यहाँ पे हटा दिया, दो वेरिएबल ये रहे, ठीक है, और इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। मैं उल्टी रन करते हैं करेक्ट आंसर आ रहा है, सबमिट करते हैं करेक्ट आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार हमने इसमें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी लगा दी, और जो स्पेस ऑफ एन था उसको ओ ऑफ वन में सॉल्व कर लिया। फटाफट अगर चेक करें, यहाँ पे हमने क्या किया, रिकर्जन के द्वारा सॉल्व किया, फिर रिकर्जन प्लस मेमोरेशन के द्वारा सॉल्व किया, फिर हमने टैबुलेशन के द्वारा सॉल्व किया, फिर हमने स्पेस ऑप्टिमाइजेशन लगाई। जब रिकर्जन के द्वारा सॉल्व किया था तो कोड क्या था, कोड ऐसा था, यहाँ पे क्या कर रहे हो, एन माइनस वन के लिए एन माइनस टू के लिए कॉल कर रहे हो, यानी यहाँ पर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल हो गई, ठीक है। सेकंड केस, जब आपने इसमें डीपी ऐड करी, जैसे इस केस में डीपी ऑलरेडी ऐड कर दिए, तो रिकर्जन के अंदर ये वाली चीज़ नहीं थी ना, ये चीज़ नहीं थी और ये वाली चीज़ नहीं थी, तो एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी थी। जब आपने ये डीपी ऐड कर दी यहाँ पर, रिकर्जन प्लस मेमोरेशन कर दी,
तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, आप हर एक नंबर को हर एक एन को सिर्फ एक ही बार अप्रोच करोगे तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन हो गई। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक आपकी डीपी वाले एरे की और साथ में आपकी रिकर्जन डेप्थ की, ठीक है। अगर टेबलर फॉर्मेट की बात करूँ तो लूप चल रहा है आपका 3 से लेके n तक लूप चल रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ऑफ एन हो गई। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, डीपी का एरे बना रखा है, ऑफ एन हो गई। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में डीपी एरे को रिमूव कर दिया और वहाँ पे सिर्फ वेरिएबल का यूज कर लिया, तो ग्रिड बना ली प्रीवियस में प्रीवियस टू, तो मैंने यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन में कर ली ऑफ एन की जगह। इस प्रकार मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप कभी किससे पूछेंगे तो ये बहुत सारे लोगों के नगैरों के ऑनलाइन टेस्ट में आता है, मेरे में भी आया था, चेक कर लेना, पूछ लेना किससे, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है और मजा आएगा सॉल्व करने में, अब तुम्हें आसान लगेगा। गेम सारी इसके दिया, तुम कोड तो खुद भी कर लेते थे, इतनी बड़ी चीज़ थी नहीं, बट ये समझना, रिलेशन समझना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपने ये रिलेशन समझ लिया तो मैं अपने मकसद में सक्सेसफुल हूँ, अगर आप नहीं समझ पाए तो मेरे इस वीडियो में कोई फायदा नहीं था। कमेंट से बता देना आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैं अगर किसी एक एलिमेंट को उठाता हूँ तो मेरे पास उसको रखने कितने n-1 वेज हैं, तो मैथ्स में पढ़ा होगा कि n-1 से मल्टीप्लाई करना है किसको, जो बाकी बची हुई सब प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन को। अब बची हुई प्रॉब्लम क्या है, अगर 0 को मैं यहाँ पे ith लोकेशन में रख दूँ तो दो केस हैं, या तो i वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो पहला केस क्या हो गया, दोनों स्वैप हो गए, कि वो दोनों स्वैप हो गए। और सेकंड केस क्या हो गया, कि यहाँ पे i नहीं आना चाहिए, दो ही केस तो बनते हैं, या तो i आएगा या तो नहीं आएगा, सिंपल। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं आपको समझ में आया या नहीं आया, और क्या क्या इंप्रोवाइजेशन हम इसमें ला सकते हैं। धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अभी टाइम क्या हो रहा है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, टाइम 3:05। थैंक यू, बाय।